कान बांधने की जरूरत पड़ सकती है। अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, क्लिनिकली टेस्टेड एंड पीएच बैलेंस है। जो दूसरा ब्रेस्ट होता है वहां से मिल्क लीक करने लगता है। इसमें पैड इनबिल्ट है। ये छोटू सा चड्डू है, क्यूट है। जब जब मैं इसको देखती हूँ मेरा दिल आ जाता है इस पे। हेलो हेलो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। बहुत खुश हैं आप लोग अपनी अपनी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूँ, टाइटल से आपने जान ही लिया है कि ये किस बारे में वीडियो है। ये है हॉस्पिटल बैग। मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि अब मेरा समय हो गया है लगभग हॉस्पिटल जाने का। मेरा 9th month चल रहा है, मेरी प्रेगनेंसी के 9th month स्टार्ट हो चुका है। मैंने अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया है। वैसे 8.5 तक या 8वें महीने में आपको हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट थी। बैग तो रेडी हो गया था लेकिन वीडियो नहीं शूट हुआ था, और वो जो कंप्लीट पैकिंग होता है ना बैग का, वो नहीं हुआ था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे आपको और आपके बेबी को किन चीज़ों की मेनली ज़रूरत पड़ेगी, हम वो चीज़ें पैक करते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद में ना वो हॉच पॉच वाला सिचुएशन ना रहे। और ऐसा भी होता है कि कभी भी, पता नहीं, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो इसलिए बैग हमेशा रेडी रहना चाहिए, जिससे इनकेस मान लिया पेन स्टार्ट होता है तो फटाक से बैग को उठाया और निकल दिया हॉस्पिटल के लिए। सो उसमें हमें टाइम वेस्टिंग नहीं रहेगा और हमारे फैमिली मेम्बर्स को सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और वो सारी चीज़ें आपको इस बैग में मिल जाएंगी। अब मेरी फैमिली मेम्बर्स को वो सारी चीज़ें बैग में मिल जाएंगी। सो मैंने एक चेकलिस्ट तैयार कर ली है। मैंने मेरे बैग के सबसे ऊपर की चेन में, जो बाहरी चेन होती है, उसमें मैंने वो लिस्ट रख दी है कि इस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे इनकेस कोई चीज़ डॉक्टर ने मांगी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी फैमिली मेम्बर को, तो वो उस पेपर को, स्लिप को पढ़ के बता सकते हैं कि इस बैग में ये सामान है या नहीं है, उस हिसाब से वो परचेजिंग कर लेंगे। सो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर लोग लास्ट में रखते हैं, उसको सबसे पहले रखना होता है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है। ये मुझे ऐसे ही पॉलीथीन कभी मिल गया था, तो उसमें मैंने सारी रिपोर्ट्स रख ली हैं। ये बेसिकली मेरी पूरी 9 month की जो जर्नी के रिपोर्ट्स हैं, जो जो डॉक्टर को मैंने दिखाया है, जो जो मेरे अल्ट्रासाउंड्स हुए हैं, जो जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी हैं, जो जो डाइट फॉलो करने को दिया, एक्सरसाइज करने को दिया, ये सारी चीज़ें, सारे रिपोर्ट्स एंड फाइल इस पॉलीथीन में हैं, इसमें हैं। और इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, इसमें मैं इसे मैं चेंज वेंज कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा मजबूत पॉलीथीन है। तो इसको हम रख देते हैं पीछे। सबसे पहले मुझे ये डॉक्टर को दे देना रहेगा। सबसे पहले वो रिपोर्ट्स ही मांगेंगे, अपने फाइल्स ही मांगेंगे, तो वो सबसे पहला था। एंड देन अब बढ़ते हैं आगे। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एज वी ऑल नो, आफ्टर डिलीवरी वी हैव वेरी हैवी फ्लो, वी हैव वेरी हैवी ब्लड फ्लो। सो फॉर दैट ये मैंने ले लिया है। ये है क्लोविया का सैनिटरी पैड विथ पैंट स्टाइल, मतलब विथ पैंटी है ये, तो पैंटी के साथ में ये सैनिटरी पैड है, डिस्पोजेबल पैंटी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें पैड इनबिल्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा, मैंने रिसर्च काफ़ी ज़्यादा किया था, उस हिसाब से मैंने सोच के लिया है। अब वो तो शायद डिलीवरी के बाद ही बता पाऊँ कि ये कितना काम कर रहा, लेकिन क्योंकि क्लोविया ब्रांड काफ़ी अच्छा है, नामचीन ब्रांड है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और ये पैक ऑफ 2 में आता है। जितनी चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज की हैं, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर परचेजिंग, या फिर आप ऐसे ही देखना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, तो आप क्लिक करके विजिट कर सकते हैं अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे साइट, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट। इसका मैंने 2 पैक ले लिया है। तो ये मैंने खोल के देखा था कि कैसा है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, तो ये मैंने खोल के देख लिया था। जनरल जैसे हमारा सारा पैड होता है उसी तरह से है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है और विद पैंटी है। 1 में 2 है, मतलब कुल टोटल 4 पीसेज हैं। इनको साइड कर देते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग। एंड देन सम ऑफ द मैटर्निटी पैड्स। तो ये अमेजन पे सबसे बेस्ट पैड था, प्रोफेक्लिन नाम से है ये मैटर्निटी पैड, जो काफ़ी ज़्यादा ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। और ये 6 पीस है, एक पैक में 6 पीसेज हैं पैड के। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले ली अभी से, कि क्या पता यूज़ हो ना हो और फेंक जाए, तो
चीजें उतनी ली हैं जितनी मुझे फिलहाल जरूरत पड़े, 2 दिन 3 दिन काम चला, उसके बाद हम और भी ज्यादा बाहर से मार्केट से परचेज करके ले सकते हैं इनके अगर जरूरत पड़ती है तो। पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो ये हो गई मैटरनिटी पैड के बारे में। एंड नाउ आफ्टर डिलीवरी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कि जब बेबी आ जाएगा तो उसको फीड करना रहेगा, तो फीड करने के लिए ये है, मतलब वो तो फीड करेगा ही, लेकिन ये है ब्रेस्ट पैड्स। तो ब्रेस्ट पैड्स का क्या मतलब होता है कि वेन एवर बेबी सक्स योर ब्रेस्ट, तो जो दूसरा ब्रेस्ट होता है वहाँ से मिल्क लीक करने लगता है, तो वो लीक ना करे। तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। मिल्क लीक होने की वजह से जो कपड़े खराब हो जाते हैं उस वजह से ये ब्रेस्ट पैड्स बनाए गए हैं। तो ये ब्रेस्ट पैड ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, स्टिकर निकलता है एंड देन आपके ब्रा में अंदर की तरफ चिपक जाता है एंड ये मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेता है अगर एक्स्ट्रा मिल्क आपको लीक हो रहा है तो। नेक्स्ट है ये वाइप्स। हाँ, वाइप्स बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, लेकिन बात ये है कि वाइप्स हमें बाद में भी यूज होंगे। ये लिटल्स वाटर वाइप्स है, बेबी वाइप्स है, लेकिन ये मेरे भी काम में आएगा, बेबी के भी काम में आएगा, इसलिए मैंने पूरा इसका पैक ले लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा है वैसे, 81 में है, तो ये 3 का पैक ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फेस वाइप करने के लिए, या कुछ ऐसा स्टिंगीनेस आ जाता है उस टाइम पे, स्मेल आती है बहुत सारी चीज़ों की, तो इसलिए वाइप्स होना जरूरी है अपने पास में। ये अल्कोहल फ्री है, पैराबिन फ्री है, क्लिनिकली टेस्टेड एंड पीएच बैलेंस है, बेसिकली ये वाटर वाइप्स हैं। तो ये था नेक्स्ट। एंड देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फीडिंग ब्रा। तो नॉर्मल ब्रा नहीं यूज़ होता है, फीडिंग ब्रा यूज़ होता है अगर आपको करना है तो, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 ले लिया है, क्योंकि यहाँ से ये खुल जाता है और बेबी आसानी से फीड कर सकता है। सो ये 2 मदर को चाहिए रहेगा। वो है गाउन, तो वहाँ पे तुरंत अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भी, या फिर अगर सिजेरियन होगी तो भी गाउन तो चाहिए ही होगा। हॉस्पिटल से गाउन मिलेगा ही ऑफ कोर्स, जब तक डिस्चार्ज नहीं होंगे फिर भी एक गाउन तो रखना पड़ेगा ही। तो ये कॉटन का गाउन मैंने रख लिया है, ये काफ़ी पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, इसे मैंने इसलिए रख लिया है क्योंकि इसमें नेक पे यहाँ पे चेन है तो ये फीड करने में आसान रहेगा। अपने लिए मफलर या स्टॉल कुछ इस तरीके का कान बांधने की जरूरत पड़ सकती है। मम्मी लोग कहती हैं कि कान बांधने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने एक स्टॉल भी रख लिया है। ये न्यू ही है, बस साफ सुथरा है। एंड देन एक जोड़ी सॉक्स रख लिया है। सॉक्स अंगूठे वाला है, यहाँ से डिवाइड वाला, डिवाइड है ये दोनों, तो इसको मैं स्लीपर्स पे भी पहन सकती हूँ और अगर शूज़ पहनना है तो शूज़ पे भी पहन सकते हैं। एक जोड़ी सॉक्स हो गया। एंड ये है कैप, ये कुछ इस तरीके से हो करके एंड देन आप पहन लेंगे, तो इससे भी कान ढकने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ये कैप भी रख लिया है। पतला सा है लेकिन गर्माहट काफ़ी अच्छा दे देगा। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मान लिया डिलीवरी हो गई और उसके बाद में अब आपको घर आना है, तो घर आने के लिए एक कपड़ा, तो ये काफ़ी अच्छा मेरा फेवरेट गाउन है, इसको आपने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा और मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी, माय फेवरेट मैटरनिटी गाउन में भी देखा होगा। तो ये मैटरनिटी गाउन मैं पहन करके घर आऊँगी, तो ये उस चीज़ के लिए है। एक अच्छी स्लीपर आपको चाहिए जो काफ़ी अच्छे ग्रिप में हो, तो ये मैंने ऑनलाइन ही कर दिया था ये स्लीपर। इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है बट ये मुझे थोड़ी सी छोटी है, तो मुझे लग रहा है एक्सचेंज करके मैं इसको या तो दूसरा मंगाऊंगी, या तो मेरे पास एक ऑप्शन में और है, या तो फिर मैं ये वाला स्लीपर रख लूँगी। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ग्रिप इस पर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो अच्छे ग्रिप वाले ही स्लीपर्स चाहिए आपको। तो ये पुराने स्लीपर्स ना पहने क्योंकि पुराने स्लीपर्स स्लिपरी हो सकते हैं, इसलिए न्यू लें तो न्यू स्लिप नहीं करेगा। सो या मैं उल्टा दिखा रही हूँ, तो ये स्लीपर ये मैंने रख लिया है। फिर कुछ खाने का मन कर सकता है तो उसके लिए मैंने ये रखा है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये है इसमें बहुत सारे नट्स हैं। ओके, नीचे गया, इसमें बहुत सारे नट्स हैं, काजू बादाम और पिस्ता, किशमिश अलग से रखना है, तो ये चीज़ें हैं इनको भी अलग रख लिया है। सैनिटाइज़र काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सैनिटाइज़र भी रख लिया है क्योंकि कोविड अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, हमें प्रिकॉशंस उतने ही लेने हैं। वैसे हॉस्पिटल में
प्रोवाइड होगा गर्म पानी, बट फिर भी मैं एक हॉट वाटर बॉटल रख लूंगी इनकेस मान लिया जरूरत पड़ता है, तो इसको भी ये भी हमारे पास रहेगा। तो इतनी चीजें मम्मा के लिए हो गई, मतलब मेरे लिए, टू बी मॉम के लिए। और अब है कुछ टॉयलेटरीज। तो टॉयलेटरीज में मैंने सबसे पहले रखा है लिप बाम, देन एक छोटे से छोटू सा बॉडी वॉश, देन एक टूथपेस्ट छोटू सा, ब्रश, टंग क्लीनर एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम सिटाफिल का है एंड ये सिटाफिल का फेस वॉश। मान लिया जरूरत पड़ता है तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ता है तो भी ठीक है, वापस चला आएगा। पर इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां पे जाने के बाद ना हमें कोई चीज ढूंढनी ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे पास हो, बाकी कुछ ना कुछ तो कम ज्यादा लगा ही रहता है। सो ये इतनी चीजें हो गई। मेरे पास कुछ नाइट सूट्स भी हैं, क्योंकि मुझे गाउन में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो गाउन में दो तीन दिन, जितना दिन अगर मान लिया बहुत ज़रूरत हुआ तो ही पहनूंगी, अदरवाइज मेरे पास ये नाइटीज़ हैं, दो सेट है नाइटी का, मतलब ये पैंट एंड शर्ट बहुत अच्छा कॉटन का है, ये मैंने अमेजन से मंगाया था, ईबे इंडिगो नाम से है और साइज है इसका एक्सेल। ये मुझे काफ़ी अच्छा फिट है, अभी मुझे नहीं फिट होगा, लेकिन हाँ आफ्टर डिलीवरी मुझे फिट होगा। देन एक टॉल रख लिया है, उस टॉल के साथ में एक हैंड टॉल भी रख लिया है। नेक्स्ट है ये सिंगल बेड एंड पिलो कवर, सिंगल बेड शीट एंड पिलो कवर, ये मेरे लिए है, जो मेरे पास सिंगल बेड रहेगा जिस पे मैं रहूँगी वूस के लिए, और ये बेड शीट मैंने रख लिया है जो डबल बेड को, जो मेरे साथ रुकेगा मेरे रूम में हॉस्पिटल में, ये उनके लिए है, कॉटन के बहुत अच्छे फैब्रिक हैं, इसलिए रख लिया है। मालूम नहीं हॉस्पिटल से कितनी चीज़ें मिलेंगी, कितनी चीज़ें अच्छी लगेंगी कितनी नहीं, इसके साथ में ब्लैंकेट भी ज़रूर रख लें। इतनी चीज़ें तो हमने मॉम के लिए बात कर ली, लेकिन अब बेबी के लिए, बेबी के लिए हम कोई नई चीज़ नहीं खरीदते हैं। मेरी सासू माँ ने कहा, मेरे घर पे में फैमिली मेम्बर ने सबने कहा ये चीज़ कि हम नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं बेबी के आने से पहले, तो बेबी के आने के बाद में सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अभी नहीं। बट फिर भी मैंने व्यवस्था उतनी कर ली है जितने से तुरंत काम चल जाए। तो बेबी के लिए जो है वो मैंने ये पुराने क्लोथ्स रख लिए हैं, ये अथर्व के कपड़े हैं और ये अच्छे से वॉश्ड हैं, डेटॉल से खूब अच्छे से वॉश्ड हैं। तो ये है छोटू छोटू सा, ना क्यूट है, जब जब मैं इसको देखती हूँ मेरा दिल आ जाता है इस पर। ये मिटन्स हैं, तो इस तरीके से आगे से बटन वाले बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि फिर बेबी को प्रॉब्लम नहीं होती ना सर बाहर और अंदर करने में, अभी तो वो कपड़ा पहना नहीं है तो उसको आदत भी नहीं है कपड़ों की। ये छोटू सा चड्डू है, तो ये कुछ कपड़े मैंने बेबी के लिए बस यूं ही एवें ही रख लिया है, पहनाना तो उसे नया ही है इसलिए रख लिया है, इन केस मान लिया ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास रहेगा। ये बेबी के लिए हो गया। एंड बेबी के लिए मैंने ये 4 का सेट, ये स्वाडल क्लोथ ऑर्डर कर दिया था, तो स्वाडल तो करना ही है बेबी को, लेकिन फिर भी अगर मान लिया किसी और चीज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ती है तो बेबी के लिए, बेबी के पास ये प्योर कॉटन का क्लॉथ रहेगा। ये प्योर कॉटन का क्लॉथ है, मलमल का क्लॉथ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बेबी के लिए। सो ये हो गए, ये 4 का सेट है, तो 2 मैंने धुला के डेटॉल में रख लिया है एंड 2 न्यू ही है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ता है तो फिर इसको खोलते हैं। बाकी सारी बेबी की टॉयलेटरीज वगैरह उसी समय तुरंत आ जाएंगी, जहाँ पे डिलीवरी होगी वहीं से तुरंत भैया भाभी हैं, मम्मी पापा हैं, उन वो सब लोग सारी व्यवस्था कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपके घर में ऐसी दादी अम्मा लोग हैं या मम्मी लोग हैं जो कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं, अगर अगल बगल से भी कहीं से भी मिल जाएगा आपको, तो वो कॉटन की साड़ी रख लीजिए, अच्छे से धुल के देन डेटॉल में वॉश कर लीजिए, सर्फ में वॉश करने के बाद डेटॉल में वॉश कर लीजिए, उसे रख लीजिए, क्योंकि पहने हुए कॉटन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और कॉटन की जो प्योर कॉटन की साड़ियाँ होती हैं ना मलमल की, वो काफ़ी ज़्यादा इसकी तरह सॉफ्ट होती हैं, तो वो ज़रूर रख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में वो ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए
लिए मैं वो भी एक रख ले रही हूँ। हाँ, तो ये मेन था, ये मेन मोटा मोटा चीज जो मैंने रिसर्च किया है अभी तक का, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी चीज़ें ये थी। और सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी इनकेस मान लिया लास्ट मोमेंट तक और चीज़ें ऐड होती हैं तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखा दूंगी, अपने व्लॉग के थ्रू दिखा दूंगी या तो फिर वीडियो ही बना दूंगी। सो ये चीज़ें फ़िलहाल मैं अपने बैग में अच्छे से पैक कर दे रही हूँ कि जैसे जैसे ज़रूरत लगेगा वैसे वैसे बाहर आ जाएगा। सो या ये थी मेरी हॉस्पिटल बैग की सारी पैकिंग। आपको कैसी लगी? क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी? अगर मान लिया आपके घर में, आपके फैमिली में, या आपके फ्रेंड या कहीं पे कोई प्रेग्नेंट है और उसे ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि उसे उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो आप वहाँ पे भेज सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे फिर अच्छे नए और करकरारे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कॉमेंट। Bye.